नमस्कार एरिस, एरिस यानी मेष राशि, मेष राशि और टिप्पणी सिंह विचार से। तो आज हम एरिस यानी मेष राशि की क्लेरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। 15 से 22 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एरिस देखेंगे आप कि आप एक दूसरे के लिए फील क्या करते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले एरिस देखते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो एरिस जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्टम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। अभी इस रिश्ते को हील करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, काफ़ी पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है और वो चाहकर भी अभी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो अपने आप को अकेला मान रहे हैं, हेडेक हो चुका है उनको, डिप्रेशन में है। वो चाहते हुए भी वो नहीं महसूस कर रहे कि वो आगे बढ़ पा रहे हैं, तो काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। इसीलिए वो इस रिश्ते को चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्टम नॉलेज गेन करते हुए चुप स्पिरिचुअल ग्रोथ और हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पार्टनर यानी कि एरिस अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पनौती हैं, जो भी बाधाएं दिक्कतें हैं उन्हें ख़त्म करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करें, तभी ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है तो वो उधर मोड़ कर सकते हैं। लेकिन अभी लियो इस एरिज इस एनर्जी में नहीं है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें और वो अपनी तरफ से कोई बात कर सकें। अभी काफ़ी प्रॉब्लम में है वो, उनको लग रहा है कि कुछ भी चीज़ें इस रिश्ते में पॉजिटिव नहीं हैं। उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कोई उनको धोखा दे रहा है, चीटिंग हो रही है, वो अकेले पड़ गए हैं, दुविधा में हैं। तो इसलिए वो अपनी तरफ से कोई भी इसमें कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पर्सन को चाहिए कि वो इसमें एक्शन लें। तो देख लेते हैं कि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो जैसा हो सकता है कि जैसा आप के पर्सन फील कर रहे हैं ऐसा आप फील कर रहे हैं। तो देखते हैं एरिस आप क्या महसूस करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए इस रिश्ते पर फोकस करना चाहते हैं, हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाबी की तरफ बढ़ सके। और आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, ना तो एरिस की तरफ से ना उनके पर्सन की तरफ से, तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। आप इसमें स्टैंड लेने वाले हैं और आपको लग रहा है कि यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अपने पर्सन के साथ मिलकर कुछ ना कुछ गेट टुगेदर करनी चाहिए, सेलिब्रेशन करना चाहिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट, ताकि जो भी उनके अंदर गिले सिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं वो क्लियर हो सके और धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके, सक्सेसफुल हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। आप उन परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं जिसकी वजह से इनके आपके पार्टनर दुखी हो चुके हैं। तो देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो पहले देखते हैं एरिस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो एरिस अभी आपके पर्सन
महसूस चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी उनकी वजह से, उनकी यानी कि एरिज की वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, काफ़ी फाइट्स हुई है, ड्रामा हुआ है, अभी भी वाद विवाद चला हुआ है, तो जिस वजह से वो काफ़ी हर्टेड है, प्रॉब्लम में है, दिल टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ है, वो जगलिंग फेज में है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जो लड़ाई ड्रामा फाइट्स है वो इस चीज़ को देखें, इसको इग्नोर ना करें, और पहले जो भी वो जगलिंग फेज में ना रहें, जिग जैग ना करें उन्हें, क्योंकि अभी इसे उन्हें चाहिए कि पहले, क्योंकि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा ड्रामा फाइट चला हुआ है, जिस वजह से उनका दिल टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ है, और वो चाहकर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो इसलिए चाहते हैं कि वो उनके साथ जगल ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें। वो सबसे पहले अगर वो सचमुच इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले परिवार और फैमिली के साथ स्टेबल हों, और तभी वो इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचें, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के बारे में सोचें। जब तक वो अपने परिवार और फैमिली के साथ स्टेबल नहीं होंगे और कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे, जब तक ये रिश्ता जगलिंग फेज में रहेगा तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। उनकी वजह से ये रिश्ता खराब हो चुका है, दिल टूट चुका है, मन दुखी है और परेशान है, तो इसलिए अभी फिलहाल वो चाहते हैं कि वो जगल ना करें इस रिश्ते में, और वो परिवार और फैमिली के साथ पहले अपने आप को स्टेबल करें, और तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचें, अभी इसके बारे में कोई भी वो फैसला ना ले। तो क्योंकि जब तक इसमें लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चलता रहेगा, एंजाइटी फाइट्स चलता रहेगा, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो जगल ना करने की बजाय अभी रुके, ठहरे और परिवार और फैमिली के साथ पहले इस अपने आप को स्टेबल करें, तभी वो रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के बारे में सोचें। तो देखते हैं एरिस आप क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून, किंग ऑफ कप्स। तो एरिस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को विक्टोरियस, सक्सेसफुल बनाए, कामयाब बनाए, ताकि क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल दम है, अगर वो कोशिश करेंगे तो दोबारा से कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो ये रिश्ता फिर से सेनाइयों में तब्दील हो सकता है। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और आगे बढ़ें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून, किंग ऑफ कप्स। तो एरिस आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि वो, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, इमोशंस हैं, भले वो एक दूसरे के प्रति एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, जाहिर ना कर पा रहे हों, लेकिन एनर्जी पॉजिटिव है, प्यार करते हैं, दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो अननोन फियर हैं, जो डर हैं, जो वो डरावने सपने देख रहे हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, पनौती बाधाएँ, दिक्कतें हैं, तो वो उनसे बाहर निकले, बजाय के किसी तीसरे पर्सन की बातें मानने के, वो आमने सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुल कर बातें करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो और इस रिश्ते में क्लियरिटी आए, और वो उन चीज़ों से पुरानी चीज़ों से, पुरानी बातों से चिपक कर ना रहे, समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, चाहे पैसे प्रॉपर्टी के लिए रही है, या जॉब बिजनेस के लिए, या कोई सोच ऐसी रही है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हों, और धीरे धीरे करके फिर से रिश्ता सक्सेसफुल हो, विक्टोरियस हो, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत और हिम्मत है। तो ऐसा सेजिटेरियस लियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अननोन फियर से, जो सोच सोच कर उन्होंने इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, इतने डरे हुए हैं, इतने दुविधा में हैं, तो किसी बाहर वाले पर्सन की बातें ना माने, और इस सिचुएशन को, यानी कि पार्क में जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, पॉजिटिव लोगों में बैठे, पॉजिटिव सोच के साथ, अगर वो बजाय के बाहर वाले की बातें मानने के आमने सामने बातें करेंगे, तो गिले सिख भी ख़त्म होंगे, और समय और फ्लो के साथ चलेंगे, चीज़ों को चिपका कर नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और वापस खुशी आ सकती है। इसका आउटकम देखते हैं क्या रहेगा।
फिर से इसमें रिकॉन्सिलेशन होगा, ये रीयूनियन होगा अगर कोशिश की जाती है तो उस समय को, उस पल को, या तो एरिज आप या तो आपके पर्सन कोई ना कोई उस पल को, उस क्षण को, उन दिनों को याद करना चाहता है, उन मेमोरीज को जो उन एक दूसरे के साथ बिताए हैं, खुशी के दिन एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो उन यादों के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया था, बोझ बन गया था, तो इस रिश्ते की सिचुएशन को समझते हुए चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते हुए हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहते हैं, यूनिवर्स को, यूनिवर्स के हवाले चीज़ों को करना चाहते हैं, और यूनिवर्स जो उन्हें नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट करना चाहते हैं, ताकि जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया था, बोझ बन गया था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो उठा नहीं पा रहे थे, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वही रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सके, और जो है पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराएंगे, पास्ट के दिनों को याद करेंगे, तो अच्छी मेमोरीज, अच्छी क्षण, अच्छे पलों के साथ वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो देखते हैं इसके गाइडेंस क्या रह सकती है, एरिज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज, एरिज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है, फोर ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले दो कदम पीछे हटिए, आंखों से पट्टियां खोलिए, सोचिए, विचारिए, इस क्रॉस मार्ग से पीछे हटिए, और इस रिश्ते में जो भी वाद विवाद हैं, जो भी एंजाइटी स्ट्रेस है, आप चाहकर भी जिस उससे जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो स्पोर्ट्स रूपी दीवार आपकी खुद की बनाई हुई है, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब तक आप आंखों से पट्टियां नहीं खोलेंगे, स्पोर्ट्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकलेंगे, एक दूसरे से क्लियरली बात नहीं करेंगे, तो चाहकर भी आप इसमें भले ही आपको और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन जिसको आप एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले, तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम, इस वाद विवाद इससे बाहर निकलिए। यूनिवर्स जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप उसको चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आपको वो सही लगे तो उसके साथ जाइए, अदरवाइज उसको ड्रॉप कीजिए। इस रिश्ते में आप तभी बिगनिंग, तभी शुरुआत कर पाएंगे, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, जब आप इस जो सोच सोच कर आपने इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, जो वाद विवाद चला हुआ है, जो नेगेटिविटी है, जो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, और आप लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रेस में हैं, तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप उस स्ट्रेस से बाहर निकलिए, उस दुविधा से बाहर निकलिए, और एक दूसरे से जो बातें आप या तो कर नहीं रहे हैं, या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है, तो उन चीज़ों को दोहराने की कोशिश कीजिए, उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना, समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, तभी आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।